हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ लाइन क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक है आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड है कि नहीं यह पता करना है। अगली वीडियो में हमने बताया था कि जब शेषफल शून्य हो तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होता है। तो यही चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो जब हम भाग देंगे तो तभी पता चलेगा गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलिए भाग दे लेते हैं। एक्स की 2 घातें प्लस 3x + 1, इसमें क्या करना है, भाग देना है। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें भाग देने की जहाँ भाग देने की जरूरत पड़ी वहाँ पर बताए हैं कि जब किसी की बड़ी घातें होगी तो उसको काटने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 3x की 4 घातें बड़ी हैं तो इसको काटने का प्रयास करेंगे, अन्यथा या नहीं कि यहाँ पर काटें। हमारा मन कि यहाँ पर काटें, यहाँ पर एक्स की 2 घातें हैं तो यहाँ पर नहीं काटेंगे। यहाँ से शुरू करना और जो सबसे बड़ी घातें होगी उसी को काटेंगे, चाहे बड़ी घातें या वाली यहाँ पर क्यों ना हो, लेकिन काटेंगे बड़ी घात को। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा, हम फिर से बताएंगे। एक्स की 2 घात, अब यहाँ पर एक्स की 2 घात है तो यानी कि यह भी कटना चाहिए, किसी से गुणा करें यह भी कटना चाहिए। इससे नहीं मतलब, हम इसको इसी से काटें और या जिसका गुणा करने जो भी कुछ है इसको अपने जगह रख देंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। एक्स की 2 घात प्लस 3x + 1 गुणे, हम 3 स्क्वायर बार ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा यह हो जाएगा 4 घातें 3 की स्क्वायर। अब देखिए 3x की 4 घात प्लस 3×9x³ 3 घात प्लस 3x² घात। अब क्या होता है, जो जिस घात का रहेगा उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। अब हम कितनी बार ले गए 3x² पहले इसको लिखना भूलिएगा मत, ठीक है, भूलेंगे तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी आपके लिए हमारे लिए नहीं। अब इसको क्या करते हैं, इसके नीचे रखते चले जाते हैं 3x की 4 घात प्लस यहाँ पर हो गए, ठीक है, प्लस 9x की 3 घात प्लस 3x यहाँ पर आएगा प्लस 3x की 2 घात। अब देखिए, अब क्या करते हैं, जब घटाते हैं इसको क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा प्लस, ऊपर से नहीं मतलब, क्योंकि ऊपर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का एक माइनस, उससे नहीं मतलब, ये नीचे वाले से, नीचे वाले में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। अब इसमें माइनस माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है और आंसर माइनस में आता है, -10x² प्लस 2x + 2। अब कितनी बार ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर जो माइनस रहेगा तो यहाँ पर जब गुणा जब ले जाएंगे भाग, गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए, या चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए तभी कटेगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स की कितनी घातें हैं, 2 है तो ये 1x हमें इसमें चाहिए और कितना चाहिए, 4 भी चाहिए और 1x भी चाहिए। तो हम कितनी बार ले जाएं, पहले गुणा कर लेते हैं, एक्स 2 3x + 1 गुणे -4 4x। देखिए हमारा यहाँ पर कितना जरूरत है, 4 की जरूरत है और 1x की भी जरूरत है, 1 माइनस की भी जरूरत, तो इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया -4x² ओके, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करते हैं 12x² -4x, ठीक। अब हमारे कितनी बार ले गया, -4x - 4x² -4x बार ले,
तो अब हमारा क्या है, जो जहां पर आया उसके नीचे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पर तीन घाते होगी, ठीक है, गुणा करेंगे तीन घाते होगी, माइनस चार एक्स की जो जिस घात का रहेगा जाति का रहेगा उसके नीचे लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बता देंगे दोबारा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यह माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस प्लस, अगर प्लस ज़्यादा है तो इसको माइनस आगे लगाना, तो प्लस ज़्यादा है तो इसको घटाएंगे और आंसर हो जाएगा 2x². अब यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएगा, प्लस 6x + 2। अब हमारा आ गया 2x² + 6x + 2। अब कितनी बार ले जाए कि कटे, वह तो कटेगा ही। अब यहाँ पर x की दो घाती, यहाँ पर भी x की दो, अगर हम यहाँ पर दो बार, हमको कितना चाहिए, दो यहाँ पर चाहिए, तो हम गुणा दो से करते हैं। हम पहले बताए हैं कि जो बड़ी घात हो उसको पहले क्या करते हैं, बड़ी घात से काटने का प्रयास करते हैं, कट जाए बस, फिर उसके बाद जो भी आए वह तो चलता चले जाएगा, कटना होगा तो कटेगा, नहीं कटना होगा तो ना कटेगा। यहाँ पर x² + 3x + 1 गुणे x की, सॉरी यहाँ पर कितनी बार ले जाए, दो बार, यहाँ पर 2x² हो गया प्लस 3 × 6x + 2 आ गया, कितनी बार ले गए हैं, दो बार। यहाँ पर बोल लिया हमार, वहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप लगाइएगा। यहाँ पर 2x² हो गया प्लस 6x + 2। अब चिन्ह चेंज कर दीजिए, और यह क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया, 0 हो गया ना। तो लिखेंगे आंसर हमारा क्या होगा, ANSWE आंसर, आंसर क्या होगा, जब शेषफल शून्य आए, शून्य आए तो, जब शेषफल शून्य आए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होता है। आया कुछ समझ में, गुणनखंड होता है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अतः यह गुणनखंड है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।